ट्रैवल एजेंटा के खिलाफ लगातार जिड़िया कार्रवाइया की जा रही हैं, दस्तावेज चैक किए जा रहे हैं, होर वधेरे जानकारी ले लैने साडे सहयोगी चंडीगढ़ तो कमलदीप जुड़े ने। कमल, दिन प्रतिदिन ठग ट्रैवल एजेंटा की तादाद वधदी हुई नजर आ रही है, लेकिन हुण इन्हां दी खैर नहीं है क्योंकि कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल होरां ने भी एक अहम मीटिंग सद्दी है। की कुछ अहम जानकारी है, किन्हां दे खिलाफ मोहाली विखे जिहड़ी कार्रवाई की गई? बिल्कुल गुरप्रीत, देखो खास तौर पर जो पंजाब सरकार वालों लगातार वक् वक् जो गलत या शरारती अंसर ने उन्होंने जिते कार्रवाइया की जा रही ने तो उत जो गलत तरीके लोगों विदेश भेजते हैं तो उस विदेश भेजन के आड़ लख रुपये उन्होंने वालों कमाए जाते हैं उसको लेकर ट्रैवल एजेंट जो गलत ठगी के तौर पर ठगी मारते हैं लोगों के नाल एजेंट उन्होंने उपर हुण कार्रवाई करती हुई पंजाब सरकार नज़र आ रही है क्योंकि एक SDM होंगे ने नोडल अफसर उन्होंने अगवाई के हरेक जिले के वक् वक् जो टीमां तैनात कीतियां जांदियां ने टीमों वालों लाइसेंस चेक किए जाते हैं और उन्होंने लाइसेंसों के आधार पर जिहड़ी कि अगे की कार्रवाई मिथी जाती है। पर हुण जो लगातार कह सकते पिछले काफ़ी दिनों तो मोहाली होवे, फिरोजपुर होवे, पटियाला होवे, होर बहुत सारे इलाके ने जिन्हां दे विच लगातार जो प्रशासन आ प्रशासन वालों अपनी टीमां बना के रेड कंडक्ट की जा रही है, जो एजेंट ने उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं क्योंकि पिछले समय एक मामला जिहड़ा अमान दे नाल संबंधित मामला आया कि इत्थों कुड़ियों नूं विदेश भेजा जाता, हालांकि उन्होंने इतने वर्क परमिट का किया जाता भेजा टूरिस्ट वीजे पर जाता है अमान जाके दुबई जाके उन्होंने अमान वेच दिता जाता, जिस तो बाद लगातार एक्शन भी लिखा जा रहा है। इस लैके राज्यसभा MP विक्रम सिंह जो सानी ने उन्होंने वालों एक पत्र जो DGP ने गौरव जादव उन्होंने लिखा गया कि वक् वक् 170 के तकरीबन जो कह सकते हैं ट्रैवल एजेंट ने जिन्होंने भारत सरकार वालों बैन कर दिता गया पर वो एजेंट हजे भी पंजाब दे विच काम कर रहे हैं तो उन्होंने सारे के डॉक्यूमेंट चेक करने लैके हुण कह सकते वक् वक् जिलों के प्रशासन पद्धर से टीमों का गठन किया गया। उस तरीके जो मोहाली की गल की जाए तो बहुत सारे लाइसेंस ने जोड़े ये सस्पेंड भी किए गए हैं जिन्होंने कई कैंसल किए गए हैं सस्पेंड किए गए हैं वेरीफिकेशन की जा रही है तो हरेक एक जो कह सकते हैं डाटे के मुताबिक हजे डाटा जो मोहाली प्रशासन वालों कुछ समय तक साझा किया जाएगा पंजाब पद्धर से ओवरऑल किन्ने जिहड़े कह सकते जिलों के कि थावां रेड हुई है उसनों लैके डाटा साझा किया जाएगा पर सैकड़े तादाद के जिहड़े इस समय कह सकते हैं जो एजेंट ने वो पंजाब दे विच काम कर रहे हैं जिन्हां दे विचों कई एजेंट अजे भी ने जो गलत तरीके दे नाल लोगों नूं विदेश भेजते हैं पर इतों पैसे लैके उन्होंने धोखेधड़ी कर लेंगे ने उन्होंने अगे नहीं भेजा जाता जां किसी होर वीजे दे राहीं उन्होंने अगे भेजा जाता तो सबनों नकेल पाउण दे लई प्रशासन वल्लों हुण वड्डी पद्धर ते जंग है जिहड़ी ये की जा रही है अते उस जंग दे तहत हुण कह सकते वख-वख रेड जो छापेमारी कीतियां जा रहियां जावे तां तुसीं भी ग्राउंड पद्धर ते इक रिपोर्ट तैयार कीती सी जिहड़ी आ ओमान दे विच जिहड़ियां कुड़ियां फसियां होईयां सी उन्हां नूं वापस भी मिशन होप दे तहत वतन वापसी करवाई की तो इस दरमियान की कुछ तुहाडे कोल अहम जिहड़े तत्थ ने वो निकल के सामने आए कि जिहड़ा ये नैक्सस चैन सिस्टम चलता है जिसके तहत ग्राउंड पद्धर ते शायद कुछ महिलावां भी इस पूरे नैक्सस दे विच शामिल ने तो उन्होंने खिलाफ़ भी जी कार्रवाई करने की पिंड पिंड पद्धर से पंजाब सरकार इस मीटिंग में जी सदी गई है 11 जुलाई में उस कोई अहम तो पुख्ता फैसला लैन जा रही है? बिल्कुल गुरप्रीत, देखो खास तौर पर कह सकते हैं कि जो वड्डे पद्धर से अमान दे विच कुड़ियों नूं भेजा गया इत्थों कुड़ियों नूं दुबई दुबई तो अमान दे विच वेचा गया एक पूरा नैक्सस है जो अंतरराष्ट्रीय पद्धर से चल रहा है क्योंकि उस अंतरराष्ट्रीय पद्धर के नैक्सस दे विच कहांगे सब तो पहले अमान दे विच बैठे लोग एजेंट सामने आते हैं उस तो बाद दुबई दे विच बैठे एजेंट आते हैं उस तो बाद हिंदुस्तान दे विच अते फिर पंजाब दे विच अते फिर पिंडां दे विच एक सब एजेंट के तौर पर काम कर रहे व्यक्ति सामने आते हैं अते उन्हां वल्लों एक आर्थिक पक्षों जो कमजोर फैमिली है उस फैमिली नूं लभ्या जांदा जिस फैमिली दे तहत कह सकदे आ उन्हां नूं कहा जांदा कि तुसीं विदेश जाओगे तो विदेश जाके तुहानूं ए नौकरी दवावांगे अते इन्ने पैसे जिहड़े कि तुहानूं मिलणगे तो लोग किते ना किते इह जो कह सकदे लालच दे विच आ जांदे ने कि भारत दे विच उहनां नूं घट कमाई हो रही है विदेश जाणगे तो इन्ना ही काम करनगे तो बहुत कमाई होवेगी पर इत्थों उहनां नूं जो वर्क परमिट ते कह के जो दुबई भेजा जांदा तां इत्थों जो टूरिस्ट वीज़ा लगवा दिता जांदा जिस समय फ्लाइट हुंदी आ तो टूरिस्ट वीज़े ते उहनां नूं भेजा जांदा दुबई जाके उन्होंने कुड़ियों को कहा जाता कि तुम होर अगे जो काम करना है काम करने वास्ते जाना तो तुम्हें अमान जाना पैना दुबई के काम नहीं करता अमान के जाके उन्होंने पासपोर्ट खो ले जाते हैं तो इस तरीके दे नाल पूरा एक नैक्सस है जिहड़ा काम कर रहा है जिस दे तहत कह सकते पिछले कुछ समय के 20 तो भी जिहड़ियां कि FIR हुई ने गिरफ्तारियां हुई ने वक् वक् जिले ने जिन्हां दे विचों जलंधर इलाका क्योंकि एक NRI बैल्ट मनी जाती है तो उस बैल्ट के बहुत सारे लोग है जिहड़े विदेश जाते हैं उस बैल्ट के भी मामले एक होर बड़ी अहम चीज क्योंकि जिथे ट्रैग ट्रैवल एजेंटा के खिलाफ बनती कार्रवाई जी अमल में लिया जा रही है या फिर निर्देश नवे जारी किए जा सकते हैं तो
अक्सर देखने को मिल रहा है इन दिनों के दरमियान कि कुछ परिवार भी ने जिहड़े बाहर भेजन का लालच दे के अद्धे अद्धे पैसों का जिक्र करके बाहर चले जरूर जाते हैं, लेकिन पिछों परिवार के नाल धोखाधड़ी करन दे अजिहे मामले भी दिन प्रतिदिन वधदे हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी थावां ते अजिहे केस ने वह सामने आए हैं कि इसनों लैके भी जी 11 जुलाई में मीटिंग सदी गई है कैबिनेट मंत्री द्वारा, उस बाबत कोई पंजाब सरकार कोई अहम फैसला ले सकती है? बिल्कुल गुरप्रीत, देखो क्योंकि बैठकों का दौर है जिहड़ा कि लगातार कह सकते जारी हुंदा ते उस तहत जो कह सकते जांच पड़ताल भी चलती है। तो इस समय पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार जी तफ्तीश कर रही है, पंजाब सरकार वालों एक एक पक्ष है जिहड़ा कि देखा जा रहा है कि किस तरीके दे नाल पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि ये एजेंट ये नहीं कह सकते कि पंजाब पद्धर से काम कर रहे हैं, ये एजेंट पूरे अंतरराष्ट्रीय पद्धर से पूरा एक ग्रुप है जिहड़ा कि चल रहा है, उस ग्रुप से नकेल पाउण दी कोशिशां कीती जा रही ने। पर इस टाइम तो पंजाब दे विचों बहुत ज़्यादा गिनती है जो विदेशों के वालू मूव हो रही है, क्योंकि लगातार जो कह सकते विद्यार्थी ने वो प्लस टू करके 12वीं जमात पास करके विदेशों वालू जा रहे हैं, तो उन्होंने सब दे विच कितें ना कितें कई विद्यार्थी अजे भी इन्हां जो एजेंटां दे झांसे दे आ जाते हैं कि वह क्वालिफिकेशन पक्षों और कितना कितने कह सकते योग्यता पक्षों पिछे होंगे ने, पर उन्होंने कह सकते बाहर जाने की इच्छा बहुत होंगी है, तो लख रुपये हिसाब के नाल रुपए भी जोड़े कि अदायगी करते हैं, पर उस समय एजेंटा वालों उन्होंने रुपए का कह सकते नजायज़ फायदा चक्या जाता, उन्होंने घट योग्यता का नजायज़ फायदा चक्या जाता और उन्होंने वक् वक् तरह के जोड़े लारे लगाए जाते हैं। इसको लेकर पंजाब सरकार भी लगातार जी की अपील कर रही है कि किसी गलत एजेंट के कोई भी व्यक्ति ना जाए, जेकर किसी व्यक्ति वालों बाहर जाने का कोई प्रोग्राम है वीजा तो उसका लाइसेंस जोड़ा कि पहले चेक किया जाए, क्योंकि एक सुरक्षा तौर पर भी देख सकते हैं कि कोई भी एजेंट जेकर वीज़ा लगा तो उसका लाइसेंस चेक करना बहुत जरूरी है, पर कुछ जो व्यक्ति ने कह सकते हैं छोटे छोटे कैबिन बना के जोड़े बैठे हुए हैं पंजाब के, उन्होंने कैबिना के विदेश जवान के लिए जो वीजा का काम किया जा रहा है, पर उन्होंने वीजा के आड़ बहुत सारे ट्रैवल एजेंट ने किहड़े खेत्र दे विच ज़्यादातर पाए जा रहे हैं पंजाब के, हालांकि मोगे तो भी काफ़ी जिहड़े ने मामले सामने आए, तो होर किहड़ा खेत्र है जिहड़ा ज़्यादा सरगर्म है जिथे ठग ट्रैवल एजेंट बैठे ने? बिल्कुल देखो खास तौर पर जो अंकड़ा अमान दे नाल संबंधित एस आई टी गठित की गई थी, जो कुड़ियों विदेश भेजा जाता सीगा उस दे नाल मामला संबंधित आया सीगा, उस दे विच खास तौर पर जलंधर इलाका जिहड़ा आउंदा जलंधर इलाके दे विच जिहड़ी कि एफ आई आर भी सब तो वध प्राप्त हुई सीगियां, जो एजेंटां नूं कह सकदे उत्थों गिरफ्तार किया गया, जो टोटल पंज जिहड़े एजेंट ने जलंधर दे विच गिरफ्तार किए गए ने, उस तो इलावा जो बठिंडा होवे ये इलाके जिहड़े कि आ जांदे ने इन्हां इलाकियां दे विच भी एजेंटां दी गिनती ज़्यादा है, पर जलंधर एन आर आई बैल्ट दे विच तुसीं किते जाके देखोगे तो काफ़ी तादाद दे विच जिहड़े कि एजेंट ने जो विदेश भेजदे ने वो मिलदे ने, पर उन्हां एजेंटा के अजय एजेंट मिलते हैं जो ठगी करते हैं धोखाधड़ी करते हैं, उत्ते उस तो अलावा जलंधर तो बाद बठिंडा शहर का इलाका आता, क्योंकि मालवा इलाके के इस समय काफ़ी होड़ कह सकते लोगों के मची हुई है विद्यार्थियों के कि विदेश जाना, तो उस लैके कह सकते जलंधर और बठिंडा दो अजे इलाके ने पंजाब के जिथे सब तो वध एजेंट ने जिहड़े इस समय पाए जा रहे हैं। सो ठीक है कमल, फिलहाल की जानकारी के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो इस खबर से तुहाडे कोलों मुड़ तो भी अपडेट जरूर ली जाएगी। सो दस दिए कि जिस हिसाब के नाल ठग ट्रैवल एजेंटा की तादाद वधदी हुई नज़र आ रही है, तो इस दरम्यान हुण खैर नहीं है इन्हां दी, क्योंकि पंजाब सरकार ने खास तौर पर एक मीटिंग रखी है। कुलदीप सिंह धालीवाल होरां ने कैबिनेट मंत्री पंजाब उन्होंने एक मीटिंग रखी 11 जुलाई में, जिस दे विच तमाम जिहड़ियां ने हरेक तत् खंगाले जाणगे। तस्वीरां एक बार मुड़ तो तुहानूं दिखाउंदे आ चैकिंग दीआं वख-वख थावां तो जो तस्वीरां सामने आ रही ने लगातार तुहाडे नाल सांझे कीतियां जा रही ने, तो चैकिंग की जा रही है, दस्तावेज़ देखे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, जिन्हां कोल भी लाइसेंस नहीं है उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी जा रही है। हालांकि कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल होरां ने यह जिहड़ी जानकारी सांझी की कि खरड़ा साडे कोल पहुँच चुक्या, सूची साडे कोल आ गई है ठग ट्रैवल एजेंटा की, तो उस दे हिसाब दे नाल अगली जांच पड़ताल की जाएगी।